मैंने कहा भैया 70 साल से वो पाकिस्तान के हवाले, 70 साल से आपने पाकिस्तान से वो लिया नहीं। चार जंगे हुई, पिछली जंग करगिल में हुई थी, उस वक्त खुद बीजेपी के वजीर आजम कहते हैं कि सैंक्टिटी ऑफ लाइन यानी जो LOC है इसको हमने पार नहीं करना। आज ये धड़े मार रहे हैं हमने वो इलाका लेना है। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब तुम्हें रोका वो इलाका लेने से? जो तुम यहां धड़े मार रहे हो, यहां मेरे पुतले जला रहे हो, अरे यार बंदूक लेके वो जाओ बॉर्डर पे लड़ो, लड़ेंगे नहीं सिर्फ दिखाएंगे। अरे हाल देखो, पैसे में जंग हुई, कितने ही हमारे सिपाही और अफसर मारे गए और हमने हाजी पीर हासिल किया। उस हाजी पीर हासिल करने से हमें इतना फायदा था कि पुंछ और उड़ी का फासला जो है वो 1 या 1.5 या 2 घंटे में आप कर सकते हैं, मगर मायदा किसने किया? हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया ना, ताशकंद में किया, रूस के सदर वहां थे, पाकिस्तान का सदर था, इनने वो जमीन वापस कर ली। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसका पूछा ये जमीन दे या नहीं दे? आज हमें ताड़े मार रहे, मुझे कोर्ट में भी ले जा रहे, मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र है, वहां भी हम धार के लिए बोलेंगे। अरे हमने तो कभी नहीं कहा हमने आजादी नहीं मांगी। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम आजादी चाहते? कब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांगी अपनी खुद मुख्तारी, खुद इरादियत तो हमने पास किया है आईन के अंदर, हिंदुस्तान के आईन में है, पाकिस्तान के आईन में नहीं है, चीन के आईन में नहीं है, वहां लिखा है दफा 370 आपको यह हक देता है कि आप हैं इस जमीन के मालिक और कोई नहीं है। मगर वो देने के बजाय हम पे वो बात करना था, 35A को निकालना था। ये नहीं देखते हैं ये जम्मू वाले जो शोर कर रहे हैं, जिन्होंने 26 सीटें यहां से दी, उनसे बोलिए पहला हमला आप पे होगा, यहां पे पहले लोग आ जाएंगे जो आपकी जमीनें खाने के लिए। जब बिल नंबर 9 पास किया था तब वो जोड़े थे सब जगह पाकिस्तानी आ जाएंगे, आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपको घरों से निकालेंगे। ना मुझे ये बोले उस वक्त के धड़े मारने वाले कितने पाकिस्तानी आए, कितने जमीनों पे कब्जा किया, कहां गई वो बात? ये सिर्फ इलेक्शन के फ्रॉड के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों और हिंदू को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए